ज्यादा फॉलोअर्स की संख्या वाले ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे इंटरनेट मीडिया अकाउंट हैकर्स के निशाने पर है। खास तौर से उन अकाउंट को टारगेट किया जा रहा है जिनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है लेकिन अकाउंट वेरीफाई नहीं हुए हैं। जालसाज इन अकाउंट को टारगेट करते हैं और इन्हें हैक करके फिरौती की मांग करते हैं। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद से सामने आया है। दरअसल हैकर्स ने जवाहर कॉलोनी की निवासी मेकओवर ऋतु चावला का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर रंगदारी मांग ली। आर्टिस्ट के अकाउंट पर 23,400 फॉलोअर्स है। उनका पूरा बिजनेस इस अकाउंट के जरिए चलता है, इसीलिए अपना अकाउंट वापस पाने के लिए उन्होंने हैकर्स को 5,000 रुपए का भुगतान भी कर दिया और उनका अकाउंट वापस मिल गया। लेकिन कुछ घंटे बाद ही अकाउंट फिर से हैक हो गया। इस बार हैकर्स ने 14,000 रुपए मांगे। मेरे पास एक लिंक आया था सर, और व्हाट्सएप पे आया था ये। मैंने उस लिंक को ओपन कर दिया, उसमें डिटेल्स मांगी गई कि ऐसे ऐसे ऑफर्स हैं जो आप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ऑफर्स हैं, हमें तो प्रोडक्ट्स चाहिए ही होते हैं। तो मैंने उस लिंक को ओपन किया और उस लिंक को ओपन करने से ही वो आईडी हैक हो गई थी। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि कोई भी लिंक आपके इंस्टा व्हाट्सएप पे ऐसे आए, आप उसको बिना देखे अपनी डिटेल्स शेयर मत कीजिए। मैंने उस पर अपनी ईमेल आईडी ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर डाला, इतना ही इनफ होता है इन लोगों के लिए। और साइबर क्राइम में मैंने कंप्लेंट की अपनी, बट फिर भी रात की नींदें उड़ गई थी मेरी कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, क्योंकि यही मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जिससे मैं अपने लोगों को बता सकती हूँ कि मेरा काम क्या है, मैं क्या करती हूँ। तो मैंने सोचा उस हैकर को पैसे देके ही मैं अपना अकाउंट वापस ले। क्या उसने पैसे की मांग की थी? हाँ, उसने मुझसे 14,000 रुपीज़ मांगे थे और मैंने दे दिए। उन्होंने बोला अकाउंट पहले मुझे 5,000 करो, तो मैंने पेटीएम के क्यू आर कोड पर उसे स्कैन करके पेमेंट कर दी। उसने मुझे अकाउंट वापस भी कर दिया और जस्ट 1.5 आवर बाद, जबकि मैंने उसमें अपना जीमेल आईडी पासवर्ड सब चेंज किया, फिर भी उसने दोबारा से हैक कर लिया। फिर मुझे समझ आ गया वो दोबारा पैसे मांग रहा है, तो ये तो ब्लैकमेलिंग चलता ही रहेगा, वो बार बार से हैक करेगा। इवन उसने ये सबसे घटिया काम ये था सर, जितने भी फॉलोअर्स थे दे ट्रस्टेड मी, उन सबको एक इंस्टाग्राम पे लिंक ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट भेजा। जिस जिसने भी वो लिंक ओपन किया उन सबकी आईडी हैक हो गई और उन सबसे भी पैसे मांगे गए। जिस जिसने पैसे दिए कि अकाउंट वापस मिलेगा, उनके साथ भी सेम किया, अकाउंट वापस से हैक कर लिया गया। तो अब आपका वापस आ गया अकाउंट? मेरा अकाउंट वापस आया है, साइबर क्राइम वालों ने भी बहुत। साइबर एक्सपर्ट पुलिस अधिकारी बाबूराम ने बताया कि अकाउंट को वेरिफिकेशन करने के नाम पर और ब्लू टिक करने के नाम पर इस तरह की साइबर ठगी हो रही है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने हाल ही में वेरिफिकेशन प्रोसेस फिर से शुरू किया है। अब हर इंटरनेट मीडिया यूजर वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है और इसी का फायदा उठाकर लोगों के अकाउंट को हैक किया जा रहा है। और पीछे हमारे पास में एक मामला रिपोर्ट हुआ ऋतु चावला जी का, उसमें उन्होंने कंप्लेंट में जो रिपोर्ट किया है कि उसके अकाउंट को हैक करके और उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। हमारे पास जब कंप्लेंट प्राप्त हुई तो हमने उसको तुरंत ही संबंधित जो भी इंस्टाग्राम है या जिस जहाँ भी उन्होंने पैसे भेजे हैं हमने उनको मेल डाल दिया और वहाँ से कुछ का जवाब आ गया है, कुछ का अभी आना बाकी है। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको FIR के लिए रिकमेंड करके भेजा जा चुका है, उस पर हमारा वर्क चल रहा है। किस तरह से ये हैकिंग किया जा रहा है अकाउंट्स को, किस तरह से वेरिफिकेशन के नाम पर हो रहा है, क्योंकि ब्लू टिक के चक्कर में लोग शिकार हो रहे हैं? हाँ, ब्लूटूथ टेक के नाम पे हो रहा है। इसके अलावा भी वो टारगेट करते हैं ऐसे अकाउंट्स में जिनमें पैसा आ रहा है, जिनकी सी इनकम बनी हुई है, और उनको टारगेट करके अलग अलग तरीके से कई सारी ऐसी अपनी हैकिंग की एप्लीकेशंस हैं जो जिनका वो इस्तेमाल करके एक अलग तरीके का लिंक बना के भेजेंगे आपको, और आप जैसे ही लिंक क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम फेसबुक इंस्टा जैसा ही पेज ओपन होगा, और जैसे ही आप उस पेज पे अपने यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे तुरंत उनके इनबॉक्स में आपके वो यूज़र नेम पासवर्ड पहुंच जाएंगे, और फिर वो यूज़र नेम पासवर्ड को लॉगिन करके सबसे पहले तो वो आपका अकाउंट ओपन होने के बाद में यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करेंगे और फिर उसको टारगेट करके आपको पैसे के लिए ब्लैकमेल करेंगे। इन दिनों ज़्यादा फॉलोअर्स वाले अकाउंट हैकर्स के निशाने पर है, खास तौर से ऐसे अकाउंट जिनसे व्यक्ति का कारोबार प्रभावित होता है। हैकर्स ऐसे अकाउंट को हैक करके उसे वापस देने के लिए रंगदारी मांगते हैं। साइबर एक्सपर्ट की माने तो अकाउंट को हैक होने से बचाने के लिए 2-स्टेप ऑथेंटिकेशन चला सकते हैं।
इसके साथ ही यूजर्स को किसी भी लिंक पर अपनी डिटेल्स शेयर करने से बचना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।